नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक और टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है करनी, जिसको हिंदी में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेलवे और SSC के एग्जाम में इस टॉपिक से एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को आप लोग जरूर अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। हम टोटल 40 टॉपिक कराएंगे मैथ्स में, पूरे रेलवे का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो ये जो सीरीज है, ये जो कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, और इसे आप लोग अच्छे से अगर कवर करते हैं तो मैथ्स में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है रेलवे की किसी भी लेवल के एग्जाम में, चाहे वो NTPC का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो या फिर। और एक चीज और, हम टाइप वाइज क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब टाइप के हिसाब से हम चलते हैं, तो इस हिसाब से हमारा वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्ट्स होते क्या है, करनी क्या होते हैं। तो साइड में लिखा हुआ है करनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि रूट ओवर एन, मतलब रूट एक्स, जैसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, तो एन रूट बोलेंगे। तो एन रूट ऑफ एक्स अगर एक इरेशनल नंबर हो, मतलब अपरिमेय संख्या हो जिसका कोई मान फिक्स ना हो, तो इससे हम क्या बोलेंगे, सर्ट्स बोलेंगे। इससे हम क्या बोलेंगे, सर्ट्स बोलेंगे। अगर इसका ऑर्डर बोला निकालने के लिए कि ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जितना भी रूट होगा वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कुल मिला के ये तीनों पॉइंट यही बोलना चाहता है, ठीक है। तो करनी के बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि करनी में बेसिक कैलकुलेशन आएगा आपको, तभी आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, पहला लिखा है 5√2 प्लस में 20√2 लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 25√2 हो जाएगा, ठीक है ना, 25√2 हो जाएगा। तो केवल ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना था, क्योंकि ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को हमेशा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो रूट वाला पार्ट है ना, वो इक्वल है, दोनों के पास √2 है। आगे वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ लिखा हुआ है 4√12 माइनस में 50√50 माइनस में 7√48। अब देखिए, सबका रूट इक्वल कीजिए, तो इसको अगर हम लोग करें तो 4 × 3 लिख सकते हैं, इसको 4 × 3 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, 4 × 3 = 12 होता है। इसको लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं 50 को, और इस चीज़ को लिख सकते हैं 16 × 48 लिख सकते हैं, 16 × 48 लिख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे 4 × 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में और ये भी स्क्वायर रूट में, तो 4 × 2 √3 माइनस का 25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा √2, और माइनस का 7 और 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा √3। तो यहाँ देखेंगे 4 × 2 = 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 28 हो जाएगा। तो 8 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 − 28 तो −20 हो जाएगा √3 और −5 √2। अब एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, पहले हम लोग को क्या करना है, लाइक टर्म में बनाना है। अगर लाइक टर्म हम लोग को मिल गया तो उसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20√3 माइनस में 5√2। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए 14√14 × 21, तो √14 को हम लोग लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं, √14 × 21 को लिख लिया हमने। उसके बाद हम लोग को इसे सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं कीजिए, 14 × 21 कर दीजिए, दोनों का एक रूट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ से जो कॉमन निकलेगा ना, उसको क्या कीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा, पेयर बनाइए, बाहर निकालिए, 7 × 3 आ गया। अब यहाँ 7 का पेयर बन गया, तो 7 को बाहर निकालिए, √6 लिख दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7√6 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, कितने आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं सभी को। उसके बाद देखिएगा डी नंबर देखिएगा, डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, √2 √2 √2, उसके बाद 4√3
रूट ऑफ थ्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों तो अलग टर्म हो गया ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तीन और चार का एलसीएम लेना होगा। इन दोनों को मिलाने के लिए तीन और चार का एलसीएम लेना होगा। तीन और चार का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ दो के पावर में 1/3 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में तीन के पावर में 1/4 लिख सकते हैं। अब इस 1/3 को हम लोग 1/12 बनाने के लिए क्या करना होगा, चार से गुना करना होगा, चार से गुना करना होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बनाना है 1/4 को अगर 1/12 है तो तीन से गुना करना होगा, तीन से गुना करना होगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/12 हो जाएगा। अब देखिए 4/12 3/12 मतलब ये 1/3 और 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिख लिया। अब हम लोग के पास जगह यहाँ भी है तो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वल टू देखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 4/12, 4 को अंदर 1/12 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर में 3 को अंदर 1/12 को बाहर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तो जगह है नहीं तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं क्वेश्चन को, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4 चौके 16 हो जाएगा, रूट नहीं लेते, 4 चौके 16 गुना में 3 9 हो जाएगा और इसके पावर में कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन रूट एक्स के फॉर्म में, 12√144 के फॉर्म में आप इससे चीज को लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन नंबर डी को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मैंने क्या गलत कर दिया, देखिए मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया बट मैंने बनाया सही। अब 3 के पावर में 3 तो 27 होता है तो यहाँ 27 लिखना था। अब 16 गुना में 27 कितना होता है, तो 16 गुना में 27 होता है 432, तो यहाँ रूट एन रूट 432 हो जाएगा, मतलब 12√432 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह ही बनाएंगे आप लोग, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर एफ को बनाइए। देखिए ये भागा करना है, क्वेश्चन नंबर एफ आपको क्या करना है, भागा करना है। तो भागा कैसे कीजिएगा, देखिए देखिए भागा कैसे कीजिएगा, रूट 28 और यहां 4 भागा √7 और यहां 3, ठीक है, 4√28 √7। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही काम करना होगा हम लोग को जो अभी किया था हमने, क्योंकि इनके रूट को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 1/4 है नहीं, पहले तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ऑफ किसका लेना होगा, 4 और 3 का, कितना आ गया, 12 आ गया। 1/4 को हम लोग को क्या करना है, 3 से गुना करना होगा कि नीचे 12 आ जाए, मतलब कितने से गुना करें कि नीचे 12 आ जाए, जितना एलसीएम उतना हम लोग को करना होगा। तो इस 4 को 12 से भागा देंगे, उससे ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को 12 में लाने के लिए मतलब डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए कितना करना होगा, 3 से भागा देना होगा, 12 को 4/4 से गुना करना होगा, गुना भागा करना होगा, तो 4/12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे 28 है, 28 के पावर में 1/4 की जगह पे हम लोग 3/12 लिख देंगे, भागा का साइन है, 7 के पावर में 4/12 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग ये भागा लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, भागा लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है ये 7 पे चला जाएगा, ये जो 3 है ये 28 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 का क्यूब
यहाँ 1/12, 1/12 बटे में 7 के पावर में 4 और इनके पावर में 1/12। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, रूट 28 गुना में 28 गुना में 28 जो आएगा सो लिख दीजिए, काट भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7 चार बार, और यहाँ पे 12, एन की जगह पे 12 हो गया। 7 चौके और 7 चौके, ठीक है, सबसे दो दो निकल जाएगा, नहीं दो दो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 12 64/7 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक कैलकुलेशन के सभी हमने देख लिया। अब हम लोग चेंज करते हैं, अब हम लोग टाइप पे मतलब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां रेशनलाइजेशन आपको करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूट 5 + 3 अपॉन में √5 - 3। अब यहां पे अगर माइनस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है क्योंकि कैंसिल आउट कर सके हम लोग। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण। तो जब भी इसको सिंपलीफाई करना है तो हम लोग को परिमेयीकरण करना होगा, नहीं तो रेशनलाइजेशन करना होगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन दिख पाए। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट में जाएगा, ये तो a+b द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, मतलब 5 × 3, 5 × 3। और यहाँ a² ये मैं अभी समझाने के लिए आपको इतना लंबा कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आप लोग लंबा नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। a² - b² तो यहाँ हो जाएगा 5 + 3 + √15/5 - 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, a - b द होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 2√15/2। अब 2 से कटेगा, 2 चौके 2 एकम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 + √15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया कि √11 - √7 / √11 + √7। अब यहां पे रेशनलाइजेशन करना है तो इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ √11 - √7 क्योंकि नीचे प्लस है, तो नीचे अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाले से। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ऊपर बनेगा a² + b² - 7 - 2 11 × 7 = 77। ये लिख देते हैं 77, 11 × 7 होता है 77 बाई 11 में से 7 जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 - √77/4। 2 से 2 बार में 2 से 9 बार में 2 एकम 2, तो 9 / √77/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे भी आपको ऑप्शन दिया होगा वैसे लिखिएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने बना लिया। मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, बहुत कम फॉर्मूला लगाना है। आंसर आपको हो सकता है ऐसे एग्जाम में दिया हो, मतलब सेपरेट नहीं किया होगा, ऐसे ही लिख दिया होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू हमने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए
क्वेश्चन नंबर तीन और चार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीन और चार में देखिएगा टाइप भी लगभग चेंज हो चुका है, तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने टाइप नहीं रखा क्योंकि ये आपको एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ देखिएगा इनको आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट टू, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है आप लोग को। अगर आपने पिछला क्लास मेरा देखा होगा ना तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले पहले का पावर देखना है, तो पहले का पावर है 1/2, दूसरे का पावर है 1/3 और तीसरे का पावर है 1/4, और इन सब का क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। ये दिख रहा है आपको, हाँ एलसीएम लेना है, 2, 3, 4 का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 1/2 को हम लोग को कितने से गुना करना होगा, 1/2 को हम लोग को गुना करना होगा 12 लाने के लिए 6 से, मतलब 2 से 6, 12 को भागा दीजिएगा तो 6 बटे में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे 6 से गुना कीजिए। इसको अगर हम लोग को लाना है 12 तो 4 बटे में 12 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से भागा गुना भागा किए, और इसे हम लोग को 12 लाना है तो 3/12 लिख सकते हैं, ये काम किए। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 के पावर में 6 कर देना है, जो भी ऊपर है उसको पावर में ले लेंगे। यहाँ पे 4 के पावर में 4 कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 3 के पावर में कितना कर देना है, नहीं 3 के पावर में कितना करना है, 3 कर देना है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं आप लोग, इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो 2 के पावर में 6 कितना होता है, 64 होता है, 4 के पावर में 4 कितना होता है, 256 होता है, ये 27 होता है। बस इसको सजा के लिख दीजिए, तो सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइएगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा 27, उसके बाद होगा 64, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा 256, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें अगर देखेंगे तो 27 कौन है, ये वाला रूट थ्री, यहाँ 4 लेस देन, उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला रूट टू, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4 और यहाँ 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है 4/16³, यही चीज दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो हर है ना उसको ले लीजिए, इसको इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 क्यूब रूट, ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले हमको हर को सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखिएगा हर को सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 लिख सकते हैं, और यहाँ क्यूब रूट है, एक और 4 मिल जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा जिससे ये बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 4 × 4, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना है तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। जब इसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे तो 4 यहाँ क्यूब रूट का साइन अपॉन में, और यहाँ 16 × 4 हो जाएगा और इस पर क्यूब रूट हो जाएगा, तो 16 × 64 होता है जो कि परफेक्ट क्यूब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/, ये 4 का होता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4³, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
रूट थ्री और रूट फोर में से कौन सा लार्जर है, तो ये हमने बताया कि कैसे आप लोग निकालेंगे, इसे आप नहीं बताएंगे क्वेश्चन नंबर पांच को। या मैं बता देता हूँ, रूट थ्री और रूट कितना लिखा हुआ है, फोर रूट ऑफ फोर, यहाँ वन बाई टू लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे फोर रूट है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, चार आ जाएगा। अब एक बटा दो, दो बटा दो से गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए, तो ये चार बटा में, नहीं दो बटा में, दो बटे में चार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक बटा चार है, एक बटा चार को मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे तीन लेना है, तीन के पावर में दो दे देंगे, ये नौ हो जाएगा, और चार के पावर में एक दे देंगे, ये चार हो जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये ज़्यादा है, ठीक है। देखने से भी पता चल रहा है कि यही ज़्यादा होगा, इतना आपको करना भी नहीं है, ठीक है। किसी संख्या को चार रूट में डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, जितना डिवाइड करेंगे उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है छः है, रूट थ्री और रूट टू का वैल्यू दिया हुआ है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा, सिक्स में रूट थ्री प्लस में रूट टू, कुल मिला के यहाँ रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, यही होता है परिमेयीकरण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस में रूट टू, और नीचे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, माइनस में बी स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सेम आ जाएगा, रूट थ्री माइनस में रूट टू आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस में रूट टू आ जाएगा। अब दोनों का वैल्यू दिया है, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए और घटा दीजिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1.73 माइनस में 1.41, घटाइएगा तो 0.32 के आसपास आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 0.32 के आसपास आ जाएगा। आप चाहे तो तीन अंकों तक कर सकते हैं, पॉइंट के तीन अंकों तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर छः को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सात को देखते हैं। यदि रूट सिक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए, रूट थ्री माइनस में रूट टू बाई रूट थ्री प्लस में रूट टू, रेशनलाइजेशन के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। रूट थ्री माइनस में रूट टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट थ्री माइनस रूट टू से डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर देना है, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, ए और बी तीन गुना में दो बाई ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन का कोई मतलब नहीं है। नीचे देखते हैं क्या हो जाएगा, फाइव माइनस में टू रूट सिक्स हो जाएगा, और वन हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा टू रूट सिक्स कितना होगा, तो रूट सिक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, तो 2.45, ये हो जाएगा 4.90, तो फाइव माइनस में 4.9 कितना हो जाएगा, 0.10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.10। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रेशनलाइजेशन पे है, तो मैं इसे डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लेके बना लेंगे, क्योंकि नीचे देखिएगा ए माइनस बी दिया हुआ है, पर उस साइड दिया है ए प्लस बी दिया है। जब एलसीएम लीजिएगा तो फाइव माइनस तीन आ जाएगा सीधा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब ये चीज हो जाएगा रूट फाइव प्लस में रूट थ्री द होल स्क्वायर, बीच में साइन देखिए प्लस का साइन दिया हुआ है, रूट फाइव माइनस रूट थ्री द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, फाइव प्लस में तीन प्लस में टू रूट फिफ्टीन, ये हो जाएगा प्लस का फाइव प्लस में तीन माइनस में टू रूट पंद्रह, ये दिख रहा होगा, अपॉन में दो। अब ये और ये कट जाएगा, यहाँ आठ आएगा, यहाँ आठ आएगा, सोलह बटे में दो, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, आठ, ये फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आठ भी हमने बना लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, देखिए नाइन में क्या लिखा हुआ है, चार रूट इक्यासी। अब यहाँ लिख सकते हैं तीन के पावर में चार, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में आप लोग नहीं लिखिएगा, ये कट गया,
क्योंकि चार रूट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 216, अब 216 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि क्या 3 के पावर में 4 होता है 81, माइनस में 8 गुना में 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो होता है ना, 6 का क्यूब रूट क्यूब कितना होता है 216, तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 216। उसके बाद यहाँ पे 5 गुना में 32 की जगह पे 2 के पावर में 5 लिखेंगे, और 1/5 है तो कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 225, 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो 15 हो जाएगा, बस बेसिक कैलकुलेशन कर देना आपको। तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस में 48 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो ये 45 प्लस 3 48, काटिए सबको, काट कूट के 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, सॉल्व कीजिएगा 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ने आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 49 गुना में 2, 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 गुना में 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में रूट 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं 36 गुना में 2, ब्रेक करके लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग कर लिख लीजिएगा, 50 को लिख सकते हैं 25 गुना में 2, 49 से का मतलब कितना हो जाएगा 49 से, अब ये 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुना में 2, सबके पास रूट 2 आ जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग एग्जाम में नहीं दिखाएगा, 7√2 माइनस में 6√2 और यहाँ पे 5√2 आ जाएगा, अपॉन में 3√2 आ जाएगा, रूट 2 सबके पास है तो कॉमन होके कट जाएगा, 7 5 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में 3 नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कट कूट के कितना आ जाएगा 2, तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर कितना होगा 2 आएगा। आगे देखते हैं, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है यहाँ पे 3√2 बाई 6√3। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पहला टर्म है उसको रेशनलाइज करते हैं, फिर दूसरा टर्म रेशनलाइज करेंगे, फिर तीसरा टर्म रेशनलाइज करेंगे, बाद में कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा √6 से प्लस में √3 से रेशनलाइजेशन कर दिए, √6 प्लस में √3, मैंने बताया नीचे अगर माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √12 हो जाएगा और यहाँ √6 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 6 माइनस में 3 हो जाएगा, √6 द होल स्क्वायर 6 हो जाएगा, और √3 द होल स्क्वायर ये हो जाएगा 3, 6 माइनस में 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ये और ये कट गया, आपका बच गया क्या √12 और प्लस में √6, ये आपका बच जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं √3 बाई √6 माइनस में √2, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है, √6 है प्लस में √2, बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस में 2, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आपका आएगा कितना यहाँ पे वो देख लेते हैं, तो 6 3 18 और प्लस में √6 ये आ जाएगा, ठीक है ना, 6 3 18 प्लस में √6। अब इसी तरह हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि √18 माइनस में √12 बाई 18 माइनस में 12, मतलब ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 18 माइनस में √12। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये तो वैल्यू मिल गया, अब हम लोग के पास जगह कहाँ बचा, चलिए देखते हैं, पहला बना √12 प्लस में √6, बाद में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इसके पास है ना, यहाँ माइनस का साइन होगा तो ये प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा √18 माइनस में √6, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और सबसे लास्ट में क्या है प्लस का साइन दिया है ना, प्लस का साइन दिया है और क्या लिखा हुआ है √18 माइनस में √12, सब एक दूसरे से कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग को,
केवल आपको हर एक टर्म को अलग अलग रेशनलाइजेशन करना था, फिर बाद में सबको पुट कर देना था, फिर आप लोगों को कैलकुलेशन कर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बन चुका है। आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इनमें से किसका मान सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन शायद पूरा नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन अब दिख रहा है पूरा। इनमें से किसका मान सबसे अधिक है आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा इनमें से किसका मान सबसे अधिक है। तो जो सबसे छोटा होगा उसका सबसे ज्यादा मान होगा। जैसे रूट सेवन माइनस में रूट फाइव सबसे छोटा है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट है। और रूट थर्टीन माइनस में रूट ग्यारह क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे लार्जर है और ये सबसे छोटा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लिखिएगा, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो रूट एक्स और रूट एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर दोनों को क्या करना है, रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स को घटा देना है इस क्वेश्चन में, थर्टीन में। तो ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x इज इक्वल टू में थ्री प्लस में टू रूट कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है शायद। ठीक है, फिर से चेक कर लीजिए इसको, सही लिखा है मैंने। अब रूट एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो टू ए बी में लिखना होगा, तो यहाँ एक गुना में दो लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट टू प्लस वन द होल स्क्वायर होगा ये, ए प्लस बी द होल स्क्वायर में हम लोग ब्रेक कर चुके हैं इसको। अब रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट टू प्लस में वन, वन बाई रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा केवल माइनस हो जाएगा यहाँ पे बस। अब हम लोग को क्या करना है, प्लस से माइनस करना है, तो माइनस कीजिएगा, तो ये साइन माइनस ये साइन प्लस, तो ये रूट टू कट जाएगा और यहाँ वन वन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सही आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हम लोग ने बना लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको परफेक्ट स्क्वायर में केवल कन्वर्ट करना है और इसको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं, इसमें से आपको सबसे लार्जर निकालना है, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया 14 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पहले तो सॉल्व करना है, जितना सॉल्व हो जाए उसके बाद अंतिम में आपको जाकर रेशनलाइजेशन कर देना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, थ्री प्लस में पहले तो सॉल्व करके लिख देते, अच्छा डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे, थ्री प्लस में रूट सिक्स बाई पांच रूट थ्री, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में अभी ये सॉल्व नहीं होगा, बट टू रूट ट्वेल्व होगा। तो बारह को लिख सकते हो चार गुना में तीन, तो चार का कितना हो जाएगा, दो, दो रूट तीन हो जाएगा। ठीक है, बत्तीस को क्या लिख सकते हैं, सोलह दुनी बत्तीस होता है, सोलह दुनी बत्तीस, सोलह मतलब चार, चार रूट टू हो जाएगा, सोलह दुनी बत्तीस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो चार रूट टू में निकलेगा। पचास को क्या लिख सकते हैं, पांच रूट टू लिख सकते हैं, क्योंकि पच्चीस दुना पचास होता है। अब देखिए लाइक टर्म मिल गया, तो ये चार बन जाएगा, पांच में से चार जाएगा, तीन प्लस में रूट सिक्स, पांच में से चार जाएगा तो केवल रूट थ्री बचेगा। ठीक है, लाइक टर्म है, और चार में से पांच जाएगा तो प्लस का रूट टू बचेगा। अब तो और कुछ बचेगा नहीं, अब तो सिंपल हम लोग के पास क्या रास्ता बचता है, सिंपल एक ही रास्ता है कि रेशनलाइजेशन कर दे, और उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन अब हम लोग को करना है। नीचे हम लोग के पास क्या बचा, थ्री रूट टू बचा। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं कि रूट थ्री को कॉमन निकाल लेते हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा है, रूट थ्री को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ रूट थ्री बचेगा और यहाँ रूट टू बचेगा इसमें से। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थ्री बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट सिक्स बन जाएगा, और यहाँ रूट थ्री प्लस में रूट टू हो जाएगा, ये और ये कट गया, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, बिना रेशनलाइजेशन के भी ये क्वेश्चन बन गया आसानी से। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने बना लिया, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में x दिया हुआ है, आपको निकालना है 1x माइनस में 1 बाई x, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए
एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस से 4√3 और यहाँ 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस में 4√3। अब यहाँ केवल हम लोग को प्लस करना है। ये क्या होगा, क्यों हमने प्लस किया, क्योंकि जब इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा रेशनलाइजेशन करके, तो 1/x अगर निकालना है तो ये साइन देखिए माइनस है, तो यहाँ प्लस कर दीजिएगा, बस निकल जाएगा 1/x, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा तो ठीक है। अब इसको प्लस करना है तो ये कट गया, 7 × 14 होता है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ठीक है। तो देख सकते हैं कितना है, माइनस करना है ना, सॉरी माइनस करना है, ये माइनस, ये 7 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 8√3 आ जाएगा। अगर माइनस करना है तो 8√3, अगर प्लस करना होता तो हम लोग का आंसर आ जाता 14 ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ठीक है। प्लस करना होगा तो मैंने बता दिया 14 आएगा, अगर माइनस करना है तो 8√14 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, केवल मैंने बताया x का वैल्यू कितना आएगा, 1/x का वैल्यू कितना आएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे किस चीज को, 5 प्लस में ये ठीक है ना, ये SSC रेलवे दोनों में पूछा जाता है। तो यहाँ 2ab के फॉर्म में बनाइए, 2√3 × √2, ज्यादा को पहले कम को बाद में ठीक है ना, √3 × √2। अब इसको लिख सकते हैं √3 प्लस में √2² क्योंकि यहाँ प्लस 2ab है इसलिए प्लस लिखे, अगर यहाँ साइन माइनस होता तो माइनस हो जाता है। तो इसका वैल्यू निकाल लिए। अब 1/ के फॉर्म में है ना, तो 1/ के फॉर्म में है तो बीच में क्या हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा, मतलब सेकेंड वाला जो है ना 1/√5 प्लस में 2√6 का वैल्यू ये निकल जाएगा। अब साइन को चेंज कर दीजिए तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा √3 से √3 और यहाँ आ जाएगा 2√2 आपका सही आंसर। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2√2 आ जाएगा ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे शॉर्ट्स के, वो सभी क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिया ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक में आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी रहे अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।